हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे क्लॉक रीजनिंग के फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले देखेंगे फॉल्टी क्लॉक होता क्या है फॉल्टी क्लॉक क्लाक हमारा वो होता है एक घड़ी जो तेज गति में चल रही हो या मंद गति में यानी कि घड़ियों का तेज होना या मंद होना ही हमारा क्या कहलाता है फॉल्टी क्लॉक कहलाता है फॉल्टी क्लॉक एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं रॉन्ग क्लॉक फॉल्टी क्लॉक को ही क्या बोला जाता है रॉन्ग क्लॉक ही बोला जाता है इससे एसएससी देखिए एस में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे इसे देखिए एस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फॉल्ट क्लॉक से पहले टाइप का क्वेश्चन और दूसरे टाइप का आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन पहले टाइप का है कौन दूसरे टाइप का तो मैं यहाँ आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे पहचानेंगे देखिए क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा समान समय या वही समय और केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है तो वो हमारा टाइप वन का क्वेश्चन है ऐसे ही टाइप टू का क्वेश्चन पहचानने के लिए क्या करेंगे क्वेश्चन में आपका वास्तविक समय दिया रहेगा या सही समय दिया रहेगा और उसके साथ साथ प्रारंभिक तथा अंतिम समय दोनों ही दिया जाता है तो वो हमारा टाइप टू क्वेश्चन होता है यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि टाइप वन और टाइप टू में अंतर क्या है कि टाइप वन में केवल प्रारंभिक समय दिया रहता है और टाइप टू में प्रारंभिक एवं अंतिम समय दोनों दिया रहता है तो आइए हम क्वेश्चन से पहचाने कैसे हम क्वेश्चन अगर हमारे पास एग्जाम में आ गया तो कैसे पहचानेंगे चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन यही है देखिए पहला क्वेश्चन है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में बीस मिनट मंद हो जाती है यदि इस घड़ी को सोमवार सुबह आठ बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए घड़ी फिर कब समान समय प्रदर्शित करेगी तो यहाँ देखिए पहचानने के लिए मैं बता दूँ पहचान कैसे करेंगे देखिए टाइप वन में समान समय दिया रहता है और केवल प्रारंभिक समय दिया रहता है इसके अलावा कोई और समय नहीं दिया है यानी केवल प्रारंभिक समय दिया है और एक समान समय दिया है तो हमारा ये टाइप वन का क्वेश्चन है अब टाइप वन का क्वेश्चन में हमारा एक फार्मूला होता है सात सौ बीस बटे एक्स यहाँ एक्स हमारा क्या है एक्स हमारा है कि तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या कॉपी पे अपना नोट कर लीजिए एक्स क्या है एक्स है तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या और सात सौ बीस क्या है तो देखिए एक घड़ी अधिकतम कितने घंटे लेट हो सकती है बारह घंटे लेट हो सकती है ये घड़ी अधिकतम कितने घंटे लेट हो सकती है बारह घंटे अगर हम बारह घंटे इसी बारह घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बारह बुढ़े साठ बार सौ एक बहत्तर सात सौ बीस मिनट हो जाएगा तो वही हमारा है सात सौ बीस वटा एक तो एकमें हमारा तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या है अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक घड़ी अपनी खराबी के कारण बीस मिनट क्या हो जाती है मंद हो जा रही है बीस मिनट मंद हो जा रही है तो इस घड़ी को सोमवार सुबह आठ बजे यानी प्रारंभिक समय दिया है और देखिए एक्स की वैल्यू कितना दिया है बीस क्योंकि एक्स क्या है तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या तो बस कुछ नहीं बस फार्मूला में रख लीजिए सात सौ बीस बटा में बीस इक्वल टू जब इससे भाग देंगे तो दो त्याई छ दो छके बारह यानी कि छत्तीस घंटे बाद फिर से ये समान समय प्रदर्शित करेगी तो अब यहाँ हमारा देखिए यहाँ अगर हमारा है एक मिनट देखिए यहाँ पे सोमवार सुबह आठ बजे हैं छत्तीस घंटे बाद फिर ये समान समय प्रदर्शित करेंगे तो सोमवार सुबह आठ जो बज रहा है इसको लाइए तो आठ बजे प्लस इसमें छत्तीस जोड़िए तो हम इसे छत्तीस को दो पार्ट बांट लेंगे चौबीस प्लस छत्तीस तो जो आठ बज रहे हैं ना हमारा यहाँ पे तो आठ में प्लस चौबीस जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा चौबीस घंटे बाद सोमवार सुबह आठ बजे से चौबीस घंटे जोड़िए तो मंगलवार सुबह आठ बजेंगे ना मंगलवार आठ का सुबह में फिर इसमें चौबीस जोड़ा फिर छत्तीस जोड़ना था ना तो प्लस और बारह जोड़ दीजिए तो मंगलवार में बारह जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आठ पी यानी कि मंगलवार के दिन आठ बजे रात्रि होगी यानी कि छत्तीस घंटे बाद फिर यही समान समय करेंगे आइए सेकेंड दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन इसको भी पढ़िए इसको भी सॉल्व करते हैं देखिए एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रति घंटे 20 मिनट तेज हो जाती है 20 मिनट तेज हो जा रही है यदि इस घड़ी को शनिवार को 8 बजे सही समय दिखाया गया हो शनिवार के दिन आठ बजे सही समय दिखाएगा तो बताइए ये घड़ी फिर कब समान समय प्रदर्शित करेगी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी तो देखिए इसको भी वही से मैं कैसे पहचाना समान समय दिया है और प्रारंभिक समय दिया है तो कुछ नहीं करना है फार्मूला आपको बता ही दिया है सात सौ बीस बटा में एक्स बस वैल्यू रख दीजिए सात सौ बीस बटे में बारह बारह छः बहत्तर बार बारह जीरो जीरो यानी कि साठ घंटे बाद फिर ये समान समय प्रदर्शित करेगा तो साठ घंटे बाद समय समान समय प्रदर्शित करेगा तो शनिवार के आठ बज ही रहे हैं शनिवार के दिन आठ बज ही रहा है शनिवार में साठ जोड़ दीजिए साठ जोड़ना है ना तो साठ को हम चौबीस चौबीस भाग में बाल ले रहे हैं चौबीस प्लस चौबीस प्लस अड़तालीस हो गया प्लस बारह साठ को हम भाग लिया चौबीस चौबीस अड़तालीस बारह साठ हो जाएगा तो शनिवार में शनिवार आठ बजे आठ बजे सॉरी यहाँ सुबह डाल लीजिए शनिवार सुबह ना यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में शनिवार सुबह आठ बजे हो ना तो चौबीस घंटा उसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया शनिवार सुबह का चौबीस घंटे में जोड़ेंगे तो रविवार सुबह आठ बज जाएंगे रविवार सुबह आठ बज जाएगा ठीक है रविवार सुबह आठ बजेगा फिर इसमें चौबीस ऐड करेंगे तो रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा ना सोमवार सुबह आठ बज जाएगा आठ बज गया अब उसके बाद बारह घंटे और बचा इसमें बारह घंटे और जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा शाम हो जाएगा ना सोमवार सुबह आठ हो रहा था तो सोमवार का सुबह सोमवार आठ बजेगा शाम का दूसरे टाइप का मतलब दूसरा क्वेश्चन है अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कि क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट भी हमारा देखिए ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़िए इसको एक घड़ी अपनी ख़राबी के कारण प्रत्येक घंटे में तीस मिनट तेज हो जाती है इस घड़ी को रविवार नौ बजे समान समय प्रदर्शित करती है तो बताइए यह घड़ी फिर कब समान समय प्रदर्शित करेगी और कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी तो मैं आपको बता दिया हूँ फार्मूला बताया हूँ क्या फार्मूला था हमारा देखिए हमारा फार्मूला था 720 बटे में 720 बटे में x और ये टाइप वन का क्वेश्चन है क्यों टाइप वन का क्वेश्चन क्योंकि यहाँ समान समय दिया है और केवल प्रारंभिक समय दिया है इसलिए टाइप वन का क्वेश्चन है इसमें फार्मूला क्या है 720 में बटे में एक्स सात बटे एक्स क्या है तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या है तो इसमें कितना मिनट तेज हो रहा है तीस मिनट हो रहा है तो तीस से डिवाइड कर दीजिए तो जीरो से जीरो कैंसिल अब देखिए तीन दूनी छः एक तीन चौके बारह यानी कि चौबीस घंटे बाद चौबीस घंटे बाद ये क्या करेगा फिर से समान समय प्रदर्शित करेगा चौबीस घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा अगर समय पूछा जाए तो देखिए रविवार सुबह नौ बज रहा है ना रविवार का सुबह नौ बज रहा है इसमें चौबीस घंटे ऐड करेंगे चौबीस घंटे इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया सोमवार रविवार में हम चौबीस घंटे जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा यानी कि सोमवार का सुबह कितना बज रहा होगा आठ नौ बज रहा होगा कितना बज रहा होगा नौ बज रहा होगा नौ बजे सुबह रविवार का हो रहा है तो चौबीस घंटे बाद क्या हो जाएगा सोमवार सुबह नौ एम हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे यह हमारा चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्वेश्चन दिया है एक घड़ी में अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय सुबह के आठ बजे से चार मिनट की देरी से चल रही थी जब इस घड़ी को इसी दिन रात्रि आठ बजे देखा गया तो इस घड़ी में आठ बजकर दो मिनट का समय हो रहा था तो बताइए इस अंतराल में इस घड़ी ने कब वास्तविक समय दिखाया? ठीक है यह हमारा टाइप टू का क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा देखिए मैं पहचान बता दूं इसमें देखिए प्रारंभिक समय दिया है प्रारंभिक समय और इसी दिन रात्रि आठ बजे अंतिम समय दिया है प्रारंभिक समय हो गया और अंतिम समय हो गया और अब क्या देखना है वास्तविक समय तो हम बताया था वास्तविक समय या वही समय देगा और प्रारंभिक समय और अंतिम समय दिया रहेगा तो वो टाइप टू का क्वेश्चन होता है और टाइप टू का क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला होता है छोटा सा फार्मूला उसे नोट कर लीजिए फार्मूला होता है टोटल आवर अपान टोटल मिनट इंटू लेट मिनट ये नोट कर लीजिए अपने कापी पे अब हम यहाँ बताएंगे टोटल आवर टोटल घंटे टोटल घंटे क्या होता है इसे कापी पे नोट करिए टोटल आवर होता है प्रारंभिक समय तथा अंतिम समय के बीच को हम टोटल आवर कहते हैं यानी कि प्रारंभिक समय ठीक है और अंतिम समय के बीच को हम क्या करेंगे टोटल आवर कहेंगे तो टोटल आवर देखिए प्रारंभिक समय सुबह आठ बजे से चार मिनट की देरी से और उस, उसी दिन रात आठ बजे तो टोटल घंटे कितना हुआ सुबह से लेकर शाम आठ बजे तक बारह घंटे हुए यानी कि टोटल आवर कितना हो गया हमारा बारह घंटे ठीक है टोटल आवर बारह घंटे निकल के आया उसके बाद ये टोटल मिनट क्या होता है तो टोटल मिनट के लिए आपने कापी नोट पर लिखी है टोटल मिनट खराब घड़ी के लेट मिनटों की संख्या तथा तो खराब घड़ी के तेज मिनटों की संख्या का योग फल होता है टोटल मिनट अब यहाँ लेट मिनट कितना है देखिए आठ बजकर चार मिनट देरी से चल रहा है आठ बजे से चार मिनट की देरी से चल रहा है मतलब यानी कि जब सही घड़ी में हमारा आठ बज रहा होगा तो खराब घड़ी में कितना बज रहा होगा सात बजकर छप्पन मिनट हो रहा होगा अब वही जब आठ बजे रात्रि को देखा गया तो वो कितना बज रहा होगा खराब वाले घड़ी में आठ बजकर दो मिनट हो रहा है आठ बजकर दो मिनट हो रहा है तो हमारा क्या होगा जब ये घड़ी चलना स्टार्ट किया होगा खराब घड़ी और सही घड़ी है तो खराब घड़ी सही आ, सही घड़ी से कंपेरिजन किया जाए तो पहले तो ये चार मिनट जो आ, लेट चल रहा है देर से चल रहा है उसको कवर किया होगा प्लस दो मिनट तेज हो गया यानी कि आठ बजे दिखाना चाहता था लेकिन दो मिनट और आगे बढ़ गया है यानी टोटल कितना मिनट आगे बढ़ चाल चला है चार मिनट इसमें और दो मिनट इसमें टोटल छः मिनट चला है ना तो वही बोल रहा है टोटल मिनट क्या होता है खराब घड़ी के लेट मिनट लेट कितना चल रहा था चार मिनट और खराब घड़ी के तेज मिनटों की संख्या का योगफल तो तेज कितना हो गया दो मिनट तेज हो गया दो मिनट तेज हो गया और चार मिनट लेट चला है तो चार दो छः मिनट यानी टोटल मिनट हम, हमारा कितना होगा छः होगा इन लेट मिनट कितना है लेट मिनट यानी देर कितना है चार मिनट लेट है तो चार गुड़े चार Osionfish. अब छः से इसको डिवाइड कर दी छः दून बारह घंटे बाद फिर वो क्या दिखाएगा कितने घंटे बाद वास्तविक समय दिखाएगा तो आठ घंटे बाद दिखाएगा लेकिन अगर समय पूछ दिया तो क्या करना है आपको प्रारंभिक समय में जोड़ देना है आपको किस में जोड़ देना है प्रारंभिक समय में आपको जोड़ देना तो प्रारंभिक समय हमारा क्या है आठ बज रहा है उसमें बस आठ घंटे ऐड कर दीजिए प्लस एट आवर ऐड कर दीजिए तो आठ घंटे जोड़ेंगे तो देखिए आठ बज रहा है सुबह में चार घंटे बाद बारह बजेगा और चार घंटा और जोड़ेंगे तो यानी कि चार बजे शाम उसी दिन चार शाम होगा चार बजे का शाम होगा ठीक ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है चलिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं कि क्लियर हो जाए कंसेप्ट एक बार और देखिए पाँचवें नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय मंगलवार सुबह दस बजे से पाँच मिनट देरी से चल रही थी जब इसी घड़ी को बुधवार सुबह दस बजे देखा गया तो इस घड़ी ने दस बजकर तीन मिनट का समय हो रहा था इस घड़ी में कितना हो रहा था दस बजकर तीन मिनट का समय हो जा रहा था तो बताइए इस अंतराल में इस घड़ी ने कब वास्तविक समय दिखाएगा कब वास्तविक समय पूछा है फिर से वास्तविक समय कब दिखाएगा तो सिंपल मेथड है वही आपको फार्मूला बता ही दिया है फार्मूला क्या था टोटल आवर सॉरी फार्मूला क्या था उसको लिख दे रहा हूँ मैं टोटल आवर अपान टोटल मिनट इन टू लेट मिनट अब यहाँ हम देखेंगे टोटल आवर कितना है तो देखिए मंगलवार सुबह आठ बजे से देखिए इसमें प्रारंभिक समय दिया है और अंतिम समय दिया है और वास्तविक समय पूछा है तो टाइप टू क्वेश्चन है तो देखिए प्रारंभिक समय और अंतिम समय के बीच को हम क्या बोलते हैं टोटल आवर बोलते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए मंगलवार सुबह दस बज रहा है और बुधवार सुबह दस बजे तो मंगलवार सुबह से लेकर बुधवार सुबह तक कितने घंटे हो जाएंगे टोटल टोटल चौबीस घंटे हो जाएंगे तो टोटल आवर हमारा कितना हो जाएगा चौबीस घंटे बटाए उसके बाद तो हम बटा भी लगाएंगे उसके बाद बोल रहा है टोटल मिनट टोटल मिनट क्या होगा देखिए जब सही घड़ी में दस बज रहा था तो ये पाँच मिनट देरी से ख़राब घड़ी चल रहा था यानी कि पाँच यानी कि नौ बज के पैंता नौ बज के पचपन मिनट हो रहा होगा तो नौ बज के पचपन मिनट हो रहा होगा यानी पाँच मिनट ये टोटल मिनट क्या होता है ख़राब घड़ी के लेट मिनट की संख्या लेट मिनट कितना है पाँच है प्लस टोटल मिनट क्या होता है खराब घड़ी के लेट मिनटों की संख्या तथा खराब घड़ी के तेज मिनटों की संख्या का योगफल तो लेट मिनट पांच है और तेज कितना चल रहा है तीन मिनट तेजी से चल रहा है तो टोटल कितना हो गया पाँच तीन आठ गुड़े अब यहाँ हमारा लेट मिनट कितना है तो पाँच है बस इसको आठ लिखे चौबीस तीन पचे पंद्रह हमारा कितना हो जाएगा पंद्रह घंटे बाद पंद्रह घंटे बाद फिर से वो समान समय यानी कि वास्तविक समय प्रदर्शित करेगा अगर यही आपको दे दिया कि वो समय बता दीजिए तो समय भी बताना पड़ेगा आपको तो समय क्या होगा देखिए हम हमेशा समय को किस ऐड करते हैं प्रारंभिक समय में हमारा प्रारंभिक समय मंगलवार सुबह दस बज रहा था उसमें पंद्रह घंटे जोड़ना है तो सबसे पहले तो बारह घंटे जोड़िए ठीक है सुबह का मंगलवार का दस बजे तो बारह घंटे बाद कितना हो जाएगा मंगलवार का ही दस बजे देखिए मंगल दस बजे रात्रि हो जाएगा बारह घंटे बाद ना मंगलवार के दिन ही हमारा क्या हो जाएगा ये रात्र हो जाएगा प्लस और पाँच घंटे सॉरी तीन घंटे और जोड़ना पड़ेगा ना तो तीन और जोड़ दीजिए तो मंगल आ, दो जोड़ेंगे तो बारह बज बार जाएगा मंगलवार का बुधवार टाइम चेंज हो गया बुधवार का एक बजेगा न बुधवार के दिन एक बजेगा वो भी ए यानी कि भोर का समय होगा तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया टाइप टू का अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए एक घड़ी में एक घड़ी में अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय शनिवार का दोपहर बारह बजे से तीन मिनट की देरी से चल रही थी न बारह बजे से तीन मिनट की देरी से यानी कि बारह बजे से तीन मिनट पहले ग्यारह सत्तावन हो रहा होगा जब इसी घड़ी को शनिवार रात्रि दस बजे देखा गया तो इस घड़ी में दस बजकर दो मिनट का समय हो रहा था बताइए इस घड़ी में कब वास्तविक समय दिखाई देगा यहाँ गाड़ी लिख दिया गया है टाइपिंग मिस्टेक है घड़ी बना लीजिएगा घड़ी होगा ना तो इस घड़ी में कब वास्तविक समय दिखाया होगा तो इसको हल करिए मिनट इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को देखिए यहाँ यहाँ बस घड़ी बना लीजिए यहाँ घड़ी है घड़ी हल करते हैं फार्मूला क्या है ये देखिए यहाँ वास्तविक समय पूछ रहा है प्रारंभिक समय दिया ही हुआ है अंतिम समय दिया हुआ है तो कुछ नहीं करते हैं हमारा फार्मूला क्या है टोटल आवर टोटल घंटे बट में टोटल मिनट इंटू लेट मिनट तो बस फार्मूला में रख लीजिए टोटल आवर्स कितना होगा तो प्रारंभिक समय तथा अंतिम समय के बीच को ज्ञात कर लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं प्रारंभिक समय दोपहर के शनिवार के दोपहर बारह बज रहे हैं ठीक है उसी दिन शनिवार रात्रि दस बज रहे हैं तो बारह दस दस घंटे हुए ना टोटल कितने हुए हैं प्रारंभिक समय शनिवार दोपहर बारह बजे हैं से तीन मिनट की देरी से चल रहा है इसी घड़ी इसी घड़ी को शनिवार रात्रि दस बजे देखा गया तो दस बजे देखा गया तो कितने घंटे हो गए शनिवार दोपहर को बारह बारह और शनिवार दस यानी कि दस घंटे हो गए ना हमारा टोटल घंटे बीच के टोटल मिनट कितना हो गया तो लेट कितना चल रहा है तीन मिनट और कितना दो मिनट यानी कि देरी से चल रहा है तीन मिनट और तेज कितना चल रहा है दो मिनट तो तीन दो पाँच बटे में पाँच गूढ़े लेट मिनट कितना है तीन है तो पाँच दूनी दस द्वितीय छः यानी कि छः घंटे बाद फिर ये वास्तविक समय दिखाएगा तो छः घंटे अगर समय पूछ दिया तो बस कुछ नहीं बस उसमें ऐड कर दीजिए प्रारंभिक समय में तो प्रारंभिक समय हमारा कितना है शनिवार का दोपहर बारह बज रहा है बस बारह में छः ऐड कर दीजिए छः घंटे ऐड कर दीजिए तो शनिवार का दोपहर छः बज रहा था तो शनिवार छः घंटे और जोड़ देंगे तो शनिवार का दिन ही हमारा क्या दिखाएगा वो शाम दिखाएगा शाम को शनिवार वास्तविक समय दिखाएगा यानी कि शनिवार छः पी एम पे ही वो क्या दिखाएगा वास्तविक समय फिर से दिखाएगा चलिए आज के लिए इतना ही और हमारा आ, हमें लग रहा है कि हमने फॉल्टी क्लॉक अपने तरफ से क्लियर करवा दिया है टाइप वन का भी क्वेश्चन और टाइप टू का क्वेश्चन रिवीजन कर ले रहे हैं बस आपको मैं बता दूं कि याद क्या रखने है आपको टाइप आ, टाइप वन में आपको याद रखने हैं टाइप वन में आपको याद रखने हैं कि देखिए टाइप वन का फार्मूला याद रखिए सात सौ एक मिनट लिख दूं कि आप लोग नोट भी कर लें उसको सात सौ बीस बटा में एक्स टाइप वन का क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे उसमें समान समय या वही समय दिया रहेगा और केवल प्रारंभिक समय दिया रहेगा टाइप वन में तो हमारा फॉल्ट क्लॉक का टाइप वन क्वेश्चन होगा टाइप टू क्वेश्चन में क्या होगा हमारा टाइप टू टाइप में क्वेश्चन में हमारा वास्तविक समय दिया रहेगा और प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों दिया रहेगा और इसका फार्मूला क्या होता है टोटल आवर अपान टोटल मिनट इनटू इनटू क्या होता है हमारा लेट मिनट ठीक है ये हमारा फार्मूला होता है टोटल आवर अपान टोटल मिनट इनटू लेट मिनट ये फार्मूला हमारा टाइप टू के लिए है तो आज के आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले आ, अगले दिन अगले नए चैप्टर से हमने रीजनिंग का टोटल क्लास करा दिया है हमने रीजनिंग में सारी चीज़ें पढ़ ली है रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए रीजनिंग में मैं बता दूं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि मीजा एंगल मेजरमेंट पढ़ा दिया उसके बाद मैं आपको जीरो डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में बता दिया देखिए मैं बता दूं क्या क्या मैं आपको पढ़ा दिया हूँ बेसिक पढ़ा दिया उसका एंगल मेजरमेंट पढ़ा दिया ओवरलैपिंग पढ़ा दिया है मिरर इमेज टाइम पढ़ा दिया है और वाटर इमेज टाइम फॉल्टी क्लॉक ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया है रिजनिंग का आप प्ले से भी इसे देख सकते हैं देखना चाहें तो ओके आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपका दिन सुबह